यहाँ पर हम देखें भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से लेकर के 1990 तक भारतीय अर्थव्यवस्था है किस तरीके से रही है, किस तरीके से बढ़ी है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम क्या जानेंगे, भारत की पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य को जानेंगे। वर्ष 1950 से 1990 तक विभिन्न क्षेत्र जैसे कृषि और उद्योग में अपनाई गई विकास की नीतियों को समझेंगे और एक नियमित अर्थव्यवस्था के गुणों और सीमाओं का विवेचना यहाँ पर कर सकेंगे। जैसे सबसे पहले हम देखें कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या बताया गया था, भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना है जो रहन-सहन के स्तर को ऊंचा उठाए और लोगों के लिए समृद्ध एवं वैविध्यपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराएगी। ये प्रथम पंचवर्षीय योजना में बताया गया था। तो हुआ क्या था, यहाँ पर हम देखें जैसे कि 15 अगस्त 1947 के दिन भारत में स्वतंत्रता का एक नया प्रभात है उदित हुआ, यानी नया सूर्य होगा 15 अगस्त 1947 को। अंततः हम कह सकते हैं यहाँ पर कि 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन के बाद हम अपने भाग्य के विधाता बन गए। अब राष्ट्र के नव निर्माण के कार्य हमारे अपने हाथों में था। स्वतंत्र भारत के नेताओं को अब अन्य बातों के साथ साथ यह भी तय करना था कि हमारे देश में कौन सी आर्थिक प्रणाली सबसे उपयुक्त रहेगी, जो केवल कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि सर्वजन कल्याण के लिए कार्य करेगी। और विभिन्न प्रकार की आर्थिक प्रणालियां हो सकती हैं, जैसे कि विभिन्न प्रकार की जो आर्थिक प्रणालियां हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन सी हैं जो विभिन्न प्रकार की आर्थिक प्रणालियां हो सकती हैं। जैसे ये विभिन्न प्रकार की आर्थिक प्रणालियां हो सकती जैसे पहली आर्थिक हमारी, प्रत्येक समाज में तीन प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। देश में किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए, दूसरा वस्तुएं और सेवाएं किस प्रकार उत्पादित की जाए, उत्पादक इस कार्य में मानव श्रम का अधिक प्रयोग करे या फिर पूंजी का या मशीनों का, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच में किस प्रकार वितरण किया जाना चाहिए। इन सभी प्रश्नों का उत्तर तो मांग और पूर्ति का बाजार की शक्तियों पर निर्भर करता है। बाजार अर्थव्यवस्था में जिसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, उन्हीं उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन होता है जिनकी बाजार में मांग है। इसमें वही वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं जिन्हें देश के घरेलू और विदेशी बाजारों में सलाभ बेचा जा सके, यानी लाभ के साथ में जिसे बेचा जा सके। यदि कारों की मांग है तो कारों का उत्पादन होगा, यदि साइकिलों की मांग है तो साइकिलों का उत्पादन होगा। यदि श्रम पूंजी की अपेक्षा सस्ता है तो अधिक श्रम प्रदान विधियों का प्रयोग होगा, और यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती है तो उत्पादन की अधिक पूंजी प्रदान विधियों का प्रयोग होगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकताओं के अनुसार नहीं होता, अधिकांश विभाजन इस आधार पर होता है कि व्यक्तियों की क्रय क्षमता कितनी है, वे किन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने की क्षमता रखते हैं। अभिप्राय यह है कि खरीदने के लिए जेब में रुपए होने चाहिए। कम कीमत पर गरीबों के लिए घर आवश्यक है, किंतु इसकी गणना बाजार मांग को ध्यान में रखकर नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि तो मांग के अनुसार गरीबों की क्रय शक्ति नहीं है। परिणाम स्वरूप इस वस्तु की उत्पादन और पूंजी इस वस्तु की उत्पादन और पूर्ति बाजार शक्ति के अनुसार नहीं हो सकती। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की ऐसी व्यवस्था पसंद नहीं थी, क्योंकि ऐसी व्यवस्था को अपनाने से हमारे देश के अधिकांश लोगों को अपनी स्थिति सुधारने का अवसर ही नहीं मिल पाता। समाजवादी समाज इन तीनों प्रश्नों के उत्तर पूर्णतः भिन्न तरीके से देता है। समाजवादी समाज में सरकार ही निर्णय लेती है कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न भिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। यह माना जाता है कि सरकार यह जानती है कि देश के लोगों के हित में क्या है और इसलिए लोगों की व्यक्तिगत इच्छाओं का कोई महत्व नहीं दिया जाता। सरकार ही यह निर्णय करती है कि
कि वस्तुओं का उत्पादन और वितरण किस प्रकार किया जाए। सिद्धांत यह माना जाता है कि समाजवाद में वितरण लोगों की आवश्यकताओं के आधार पर होता है, उनकी क्रय क्षमता के आधार पर नहीं। इसके विपरीत एक समाजवादी राष्ट्र अपने सभी नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराता है। समाजवादी व्यवस्था में निजी संपत्ति का कोई स्थान नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु राज्य की होती है। उदाहरण के लिए, चीन और क्यूबा में अधिकतर आर्थिक गतिविधियां सामाजिक सिद्धांत द्वारा निर्देशित होती हैं। अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं, अर्थात सरकार और बाजार एक साथ इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देते हैं। क्या उत्पादन किया जाए, किस प्रकार उत्पादन हो, किस प्रकार वितरण किया जाए। मिश्रित अर्थव्यवस्था में बाजार उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को सुलभ कराता है जिनका वह अच्छा उत्पादन कर सकता है, और सरकार उन वस्तुओं और सेवाओं को सुलभ कराती है जिन्हें बाजार सुलभ कराने में विफल रहता है। तो यहाँ पर हम देखें कि ये हमारे पास में आर्थिक प्रणाली के प्रकार है। पर यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू को समाजवाद का प्रतिपान सबसे अच्छा लगा यहाँ पर। तो जवाहरलाल नेहरू को यहाँ पर समाजवाद का प्रतिपान है सबसे अच्छा लगता है, किंतु वे भी भूतपूर्व सोवियत संघ की उस नीति के पक्षधर नहीं थे, जिसमें उत्पादन के सभी साधन खेत और कारखाने सरकार के स्वामित्व के अंतर्गत थे, कोई निजी संपत्ति नहीं थी। लोकतंत्र के प्रति वचनबद्ध भारत जैसे देश में सरकार के लिए पूर्व सोवियत संघ की तरह अपने नागरिकों के भू स्वामित्व के प्रतिमानों या अन्य संपत्तियों को परिवर्तित कर पाना संभव नहीं था। नेहरू और स्वतंत्र भारत के अनेक अन्य नेता और चिंतकों ने मिलकर के नव स्वतंत्र भारत के लिए पूंजीवाद और समाजवाद के अतिवादी व्याख्या के किसी विकल्प की खोज की, और बुनियादी तौर पर यद्यपि उन्हें समाजवाद से यद्यपि उन्हें समाजवाद से यहाँ पर सहानुभूति थी, फिर भी उन्होंने ऐसी आर्थिक प्रणाली अपनाई जो उनके विचार में समाजवाद की श्रेष्ठ विशेषताओं से युक्त किंतु कमियों से मुक्त थी। इसके अनुसार भारत एक ऐसा समाजवादी समाज होगा जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र एक सशक्त क्षेत्र होगा, जिसके अंतर्गत निजी संपत्ति और लोकतंत्र का भी स्थान होगा। तो विश्व में प्रचलित विभिन्न आर्थिक प्रणालियों का हम एक चार्ट बना सकते हैं कि कौन से देश में किस तरीके की प्रणाली चल रही है, पूंजीवादी, समाजवादी या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था। किसी कृषि फार्म पर अपनी यहाँ पर भ्रमण करके, हम कक्षा का भ्रमण करके यहाँ पर एक विशेष विषय में जानकारी एकत्र कर सकते हैं, जैसे भ्रमण में खर्च होने वाली धनराशि, लगने वाला समय, संसाधन, साथ जाने वाले ऐसे व्यक्ति जिनसे संपर्क स्थापित करना हो, भ्रमण के स्थानों के नाम, पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न और कृषि फार्म के भ्रमण की सफलता के दीर्घकालीन उद्देश्यों से उसकी तुलना कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें कि योजना क्या है। योजना योजना इसकी व्याख्या करती है कि किसी देश के संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए। योजना के कुछ सामान्य और कुछ विशेष उद्देश्य होते हैं जिनको एक निर्दिष्ट समयावधि में प्राप्त करना होता है। भारत में योजनाएं 5 वर्ष की अवधि की होती हैं और इसे पंचवर्षीय योजनाएं कहा जाता है। यह शब्दावली है राष्ट्रीय नियोजन में अग्रणी देश सोवियत संघ से ली गई थी। हमारे योजना के प्रलेखों में केवल 5 वर्ष की योजना अवधि में प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों का उल्लेख
नहीं किया गया, अपितु उसमें आगामी 20 वर्षों में प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों का भी उल्लेख होता है। इन दीर्घकालिक योजनाओं का परिप्रेक्ष्यात्मक योजना कहते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा परिप्रेक्ष्यात्मक योजनाओं के लिए आधार प्राप्त होने की अपेक्षा की जाती है। यह तो संभव नहीं होगा कि हमें सभी पंचवर्षीय योजना या सभी योजनाओं को उनके सभी लक्ष्यों को एक समान महत्व दिया जाए। विभिन्न लक्ष्यों में कुछ अंतर्द्वंद भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि प्रौद्योगिकी श्रम की आवश्यकता को कम करती है तो आधुनिक प्रौद्योगिकी शुरू करने के लक्ष्य और रोजगार बढ़ाने के लक्ष्य में विरोध हो सकता है। आयोजकों को इस प्रकार के विरोधों का संतुलन करना पड़ता है। यह कार्य इतना सहज नहीं है। भारत के विभिन्न योजनाओं में अलग अलग लक्ष्यों पर बल दिया गया है। हमारी पंचवर्षीय योजनाएं यह नहीं बताती कि प्रत्येक वस्तु और सेवा का कितना उत्पादन किया जाएगा। यह तो संभव है और न ही आवश्यक है। यह न तो संभव है, नहीं आवश्यक है। पूर्व सोवियत संघ ने यह कार्य करने का प्रयास किया और पूरी तरीके से विफल रहा। अतः इसका इतना ही पर्याप्त है कि योजनाएं उन्हीं क्षेत्रों के विषय में स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें जिनमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, जैसे विद्युत उत्पादन, सिंचाई, विद्युत उत्पादन, सिंचाई आदि को छोड़कर शेष को बाजार पर छोड़ दिया जाना अधिक श्रेय पर रहता है। सरकारी अर्थव्यवस्था के लिए योजना बनाएंगी तो हम जो सरकारी अर्थव्यवस्था के लिए योजना हम देखेंगे, निजी क्षेत्र के भी योजना प्रयास का एक अंग बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948 और भारतीय संविधान के नीति निर्देशन सिद्धांतों का भी यही दृष्टिकोण है। वर्ष 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में उन योजना आयोग की स्थापना की गई और इस प्रकार पंचवर्षीय योजना के युग का सूत्रपात हुआ। पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य क्या है? किसी योजना के स्पष्ट और निर्दिष्ट लक्ष्य होने चाहिए। पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य समृद्धि, आधुनिकरण, आत्मनिर्भरता और समानता। और समानता इसका अर्थ यह नहीं कि प्रत्येक योजना में इन लक्ष्यों को एक समान महत्व, इसका अर्थ यह नहीं कि प्रत्येक योजना में इन लक्ष्यों को एक समान महत्व दिया गया है। सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक योजना में ऐसे लक्ष्यों का चयन करना पड़ता है जिनको प्राथमिकता दी जानी है। हाँ, यहाँ पर हम देखें कि योजनाकारों को यह सुनिश्चित करना होता है कि जहां तक संभव हो चारों उद्देश्यों में कोई अंतर विरोध न हो। हम योजना के इन लक्ष्यों के विषय में विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखते हैं समृद्धि। इसका अर्थ है कि देश में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना। इसका अभिप्राय उत्पादक पूंजी के अधिक भंडार या परिवहन, बैंकिंग आदि सहायक सेवाओं का विस्तार या उत्पादक पूंजी या सेवाओं की उत्पादक पूंजी या फिर सेवाओं की दक्षता में वृद्धि से है। अर्थशास्त्र की भाषा में आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में निरंतर वृद्धि है। जीडीपी एक वर्ष की अवधि में देश में हुए सभी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का बाजार मूल्य है। यदि जीडीपी में एक केक मान लिया जाए, अगर जीडीपी को हम एक केक मान लेते हैं तो समृद्धि का अर्थ उसके आकार में वृद्धि होगा। यदि केक बड़ा हो तो अधिक लोग उपभोग कर सक पाएंगे और यदि भारतीय जनता को अधिक समृद्ध और विविधतापूर्ण जीवन यापन करना है तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के अनुसार तो उसे वस्तुओं और सेवाओं का अधिक उत्पादन करना आवश्यक है। देश का सकल घरेलू उत्पाद देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त होता है, जैसे कि ये क्षेत्र हैं कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। इन क्षेत्रों के योगदान से ही अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है। कुछ देशों में सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि में कृषि का योगदान अधिक होता है तो कुछ में कम होता है। कुछ देश ऐसे हैं जिनमें सेवा क्षेत्रों से
इसकी वृद्धि में अधिक योगदान होता है। जैसे कि हम देखते हैं अलग अलग देशों के बारे में, कुछ क्षेत्रों में सेवा क्षेत्रों से होता है, कुछ क्षेत्रों में कृषि से होता है। जैसे सेवा क्षेत्रों से देखें हम, देश के विकास के साथ साथ सेवा क्षेत्र से देखें, और ये है हमारा भारतीय योजनाओं के निर्माता है, ये महालनोबिस, तो इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसको देखते हैं सेवा क्षेत्र से किस तरीके से जीडीपी में वृद्धि होती है कई देशों की। देश के विकास के साथ साथ इसमें एक संरचनात्मक परिवर्तन आता है। भारत में यह परिवर्तन बहुत विचित्र रहा है। सामान्यतः विकास के साथ साथ सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का अंश कम होता है और उद्योग का अंश प्रधान होता है। विकास के उच्चतर स्तर पर पहुंचकर जीडीपी में सेवाओं का अंशदान अन दोनों क्षेत्रों से अधिक हो जाता है। भारत में जैसा कि एक गरीब देश की अपेक्षा की जाती है, जीडीपी में कृषि का अंश 50% से अधिक था, किंतु 1990 में सेवा क्षेत्र का अंश बढ़कर 40.59% हो गया और यह कृषि और उद्योग दोनों से अधिक था। ऐसी स्थिति में प्राय विकसित देशों में ऐसी स्थिति है, ये प्राय विकसित देशों में ही पाई जाती है। और 1991 के बाद की अवधि में तो सेवा क्षेत्र के अंश की समृद्धि की यह प्रवृत्ति और बढ़ गई, और इससे देश में वैश्वीकरण का प्रारंभ हुआ, और वैश्वीकरण की चर्चा हम अगले चैप्टर में करेंगे। फिर हम देखते हैं औद्योगिकीकरण। औद्योगिकरण क्या होता है? वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए वस्तुओं वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादकों को नई प्रौद्योगिकी अपनानी पड़ती है। उदाहरण के लिए किसान पुराने बीजों के स्थान पर नई किस्म के बीजों का प्रयोग कर खेती की पैदावार बढ़ा सकता है। उसी प्रकार एक फैक्ट्री नई मशीनों का प्रयोग करके उत्पादन बढ़ा सकती है। नई प्रौद्योगिकी को अपनाना औद्योगिकरण कहलाता है या आधुनिकरण कहलाता है। नई प्रौद्योगिकी को जो हम अपनाते हैं, नई टेक्नोलॉजी को जो हम अपनाते हैं, उसे हम कहते हैं आधुनिकरण। आधुनिकरण केवल नवीन प्रौद्योगिकी के प्रयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना है। जैसे यह स्वीकार करना है कि महिलाओं का अधिकार भी पुरुषों के समान होना चाहिए। परंपरागत समाज में नारी का कार्य क्षेत्र घर की सीमाओं तक सीमित मान लिया जाता है। आधुनिक समाज में नारी की प्रतिभाओं का घर से बाहर बैंकों, कारखानों और विद्यालयों आदि स्थानों पर प्रयोग किया जाता है, और ऐसा करने वाला समाज ही अधिकांशतः समृद्ध होता है। फिर हम देखते हैं आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता कोई राष्ट्र आधुनिकरण और आर्थिक समृद्धि अपने अथवा अन्य राष्ट्रों से आयातित संसाधनों के प्रयोग के द्वारा कर सकता है। हमारी प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में आत्मनिर्भरता को महत्व दिया गया, जिसका अर्थ है कि उन चीजों के आयात से बचा जाए जिनका देश में ही उत्पादन संभव था। इस नीति को विशेषकर खाद्यान्न के लिए अन्य देशों पर निर्भरता कम करने के लिए आवश्यक समझा गया। हाल ही में विदेशी शासन से मुक्त हुए देश के लोगों की आत्मनिर्भरता की नीति को महत्व देना समझा जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह आशंका भी थी कि आयातित खाद्यान्न, विदेशी प्रौद्योगिकी और पूंजी पर निर्भरता किसी न किसी रूप से हमारे देश की नीतियों में विदेशी हस्तक्षेप को बढ़ाकर हमारी संप्रभुता में बाधा डाल सकती है। इसलिए हम देखते हैं बाद में समानता। समानता केवल समृद्धि, आधुनिकरण और आत्मनिर्भरता के द्वारा जनसामान्य के जीवन में सुधार नहीं आ सकता। तो यहाँ पर हम केवल समृद्धि, आधुनिकरण और आत्मनिर्भरता के द्वारा जनसामान्य के जीवन में सुधार नहीं ला सकते।
किसी देश में उच्च समृद्धि दर और विकसित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग होने के बाद भी अधिकांश लोग गरीब हो सकते हैं। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आर्थिक समृद्धि के लाभ देश के निर्धन वर्ग को भी सुलभ हों, केवल धनी लोगों तक सीमित न रहें। अतः समृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता के साथ साथ समानता भी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक भारतीय को भोजन, अच्छा आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में समर्थ होना चाहिए और धन संपत्ति के वितरण की असमानता भी कम होनी चाहिए। अब हम जानने का प्रयास करें कि 1950 से 1990 तक की अवधि में लागू की गई प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं ने किस प्रकार इन 4 लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रयास किए हैं। कृषि, उद्योग और व्यापार के संदर्भ में ये प्रयास कहाँ तक सफल रहे हैं और वर्ष 1991 के बाद वर्ष 1991 के बाद अपनाई गई नीतियां और विकासात्मक मुद्दों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद में हम देखते हैं कृषि। जैसे कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि औपनिवेशिक शासन काल में कृषि क्षेत्र में न तो समृद्धि हुई है न ही समता रह पाई है। स्वतंत्र भारत के नीति निर्माताओं को इन मुद्दों पर विचार करना पड़ा और उन्होंने भू सुधारों और उच्च पैदावार वाली किस्म के बीजों के प्रयोग द्वारा भारतीय भूमि में एक क्रांति का संचार किया। फिर आया भू सुधार। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की भूधारण पद्धति में जमींदार और जागीरदार आदि का वर्चस्व था। ये खेतों में कोई सुधार किए बिना मात्र लगान की वसूली किया करते थे और भारतीय यहाँ पर भारतीय कृषि क्षेत्र की निम्न उत्पादकता के कारण भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका से अनाज का आयात करना पड़ा और कृषि में समानता लाने के लिए भू सुधारों की आवश्यकता हुई। इसका मुख्य ध्येय जोतों के स्वामित्व में परिवर्तन करना, स्वतंत्रता के 1 वर्ष बाद ही देश में बिचौलियों के उन्मूलन और वास्तविक कृषकों को ही भूमि का स्वामी बनाने जैसे कदम उठाए गए। इसका उद्देश्य यह था कि भूमि का स्वामित्व किसानों को निवेश करने की प्रेरणा देगा। तो भूमि का स्वामित्व जो किसानों को निवेश करने की प्रेरणा देता है वो हम देखते हैं। जैसे कि भूमि का स्वामित्व किसानों को निवेश करने की प्रेरणा देता है वो हम यहाँ पर देखते हैं। स्वामित्व किसान को भूमि, यह नीति एक विचारधारा पर आधारित है कि यदि किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया जाए तो वे उत्पादन बढ़ाने में अधिक रुचि यानी उन्हें अधिक प्रेरणा मिलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि भू स्वामित्व से कृषक को अधिक उत्पादन का लाभ मिलता है। काश्तकारों को भूमि में सुधारों का कोई प्रेरणा नहीं होती क्योंकि अधिक उत्पादन से जमींदार को ही लाभ मिलता है। प्रेरणा प्रदान करने में स्वामित्व के महत्व को बताने के लिए पूर्व सोवियत संघ के किसानों के द्वारा बिक्री हेतु फलों की पैकिंग करने में लापरवाही का उदाहरण दिया जाता है। वे सड़े गले फलों और ताजे फलों को एक ही बॉक्स में पैक कर देते थे। आज प्रत्येक किसान यह जानता है कि सड़े गले फल ताजे फलों को खराब कर देते हैं। यदि उन्हें एक साथ पैक किया जाए इससे किसान को ही हानि होगी क्योंकि फल बिक नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि सोवियत संघ के किसान ऐसा काम क्यों करते थे जो उनको साफ तौर पर हानि पहुंचा है। इसका अर्थ है कि किसानों के सम्मुख प्रेरणाओं से है क्योंकि पूर्व सोवियत संघ में किसान भूमि के स्वामी नहीं थे, अतः न उन्हें लाभ होता था और न ही हानि। स्वामित्व न होने के कारण कृषकों को दक्ष होने की कोई प्रेरणा नहीं होती थी। इनमें इस बात की भी जानकारी मिलती है कि अति उपजाऊ और विशाल कृषि क्षेत्र के उपलब्ध होने के बावजूद सोवियत संघ में कृषि क्षेत्र का उत्पादन कम क्यों था। वो इसी वजह से था कि भूमि का स्वामित्व किसानों को नहीं दिया गया, बेशर्त उन्हें पर्याप्त पूंजी उपलब्ध कराई जाए। दरअसल समानता को बढ़ाने के लिए भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण एक दूसरी नीति थी।
इसका अर्थ यहाँ पर हम लगा सकते हैं कि किसी व्यक्ति को कृषि भूमि के स्वामित्व की अधिकतम सीमा का निर्धारण करना। इस नीति का उद्देश्य कुछ लोगों में भू स्वामित्व के संकेंद्रण को कम करना था। बिचौलियों के उन्मूलन का नतीजा यह था कि लगभग 200 लाख काश्तकारों का सरकार से सीधा संपर्क हो गया। वे जमींदारी के द्वारा किए जा रहे शोषण से मुक्त हो गए और भू स्वामित्व से उन्हें उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रोत्साहन मिला। इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, किंतु बिचौलियों के उन्मूलन कर समानता के लक्ष्य की पूर्ण प्राप्ति नहीं हो पाई। बिचौलियों का उन्मूलन हमने कर दिया, इससे समानता के लक्ष्य की पूर्ण प्राप्ति नहीं हो पाई। कानून की कमियों का लाभ उठाकर कुछ भूतपूर्व जमींदारों ने कुछ क्षेत्रों में भूखंडों को पर अपना स्वामित्व बनाए रखा और कुछ मामलों के में काश्तकार को बेदखल कर दिया गया और भू स्वामियों ने अपने किसान भू स्वामी तो भू स्वामी थे अपने जो किसान भू स्वामी यानी जो वास्तविक था अपने किसान भू स्वामी जो वास्तविक था वास्तविक कृषक होने का दावा किया और कृषकों को भूमि का स्वामित्व मिलने के बाद भी निर्धनता कृषि श्रमिक जैसे कि बटाईदार और भूमिहीन श्रमिकों को भूमि सुधार से कोई लाभ नहीं हुआ। अधिकतम भूमि सीमा निर्धारण कानून में भी बाधाएं आई। बड़े जमींदारों ने इस कानून का न्यायालयों में चुनौती दी, जिसके कारण इसे लागू करने में देर हुई। इस अवधि में वे अपनी भूमि निकट संबंधी आदि के नाम कराकर कानून से बच गए और कानून में भी अनेक कमियां थी, जिसके द्वारा बड़े जमींदारों ने भूमि पर अधिकार बनाए रखने के लिए लाभ उठाया। केरल और पश्चिम बंगाल की सरकारें वास्तविक किसान को भूमि देने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध थी। इसी कारण इन प्रांतों में भू सुधार कार्यक्रम को विशेषकर सफलता मिली, केरल और पश्चिम बंगाल में। दुर्भाग्यवश अन्य प्रांतों की सरकारों ने इस स्तर की प्रतिबद्धता नहीं दिखाई। अतएव आज तक जोतों में भारी असमानता यहाँ पर बनी हुई है। फिर आती है हरित क्रांति। स्वतंत्रता के समय देश की 75% जनसंख्या कृषि पर आधारित थी या कृषि पर आश्रित थी। इस क्षेत्र में उत्पादकता बहुत ही कम थी, क्योंकि पुरानी प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता था और अधिसंख्य किसानों के पास में आधारिक संरचना का भी नितांत अभाव था। भारत की कृषि मानसून पर निर्भर थी। यदि मानसून स्तर पर कम होता तो किसानों को कठिनाई होती थी, क्योंकि उन्हें सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। यह सुविधा कुछ ही किसानों के पास थी। औपनिवेशिक काल का कृषि गतिरोध हरित क्रांति से स्थायी रूप से समाप्त हो गया। इसका तात्पर्य उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीज के प्रयोग से है, विशेषकर गेहूं और चावल उत्पादन में वृद्धि से है। हरित क्रांति विशेषकर गेहूं और चावल उत्पादन में वृद्धि के लिए लाई गई। इन बीजों के प्रयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक और कीटनाशक और निश्चित जल पूर्ति की भी आवश्यकता थी। इन आगतों का सही अनुपात में प्रयोग होना भी महत्वपूर्ण था। बीजों की अधिक पैदावार वाली किस्मों से लाभ उठाने वाले किसानों को सिंचाई की विश्वसनीयता सुविधाएं और उर्वरकों तथा कीटनाशकों आदि की खरीदारी के लिए वित्तीय संसाधन की आवश्यकता थी। अतः हरित क्रांति के पहले चरण में लगभग 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य तक HYB बीजों का प्रयोग पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे अधिक समृद्ध राज्यों तक ही सीमित रहा और इसके अतिरिक्त HYB बीजों का लाभ केवल यहाँ पर HYB जो बीज हैं उनका लाभ केवल गेहूं पैदा करने वाले क्षेत्रों को ही मिल पाया। तो हरित क्रांति का जो द्वितीय चरण है 1970 के बाद दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य तक HYB बीजों की प्रौद्योगिकी का विस्तार कई राज्यों तक पहुंचा और कई फसलों को लाभ हुआ। इस प्रकार हरित क्रांति प्रौद्योगिकी के प्रसार से भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई।
अब हम अपने राष्ट्र की खाद्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अमेरिका या किसी अन्य देश की कृपा पर निर्भर नहीं थे। यदि किसान बाजार में बेचने की जगह इस उत्पादन का अधिकांश भाग स्वयं ही उपभोग करे तो अधिक उत्पादन से अर्थव्यवस्था पर कुल मिलाकर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी ओर यदि किसान पर्याप्त मात्रा में अपना उत्पादन बाजार में बेच सके तो अधिक उत्पादन का निश्चित ही अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है। किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश ही विपणित अधिशेष कहलाता है। हरित क्रांति काल में किसान अपने गेहूं और चावल के अतिरिक्त उत्पादन का अच्छा खासा भाग बाजार में बेच रहे थे। इसके फलस्वरूप खाद्यान्नों की कीमत में उपभोग की अन्य वस्तुओं की अपेक्षा कमी आई और अपनी कुल आय के बहुत बड़े प्रतिशत का भोजन पर खर्च करने वाले निम्न आय वर्गों को कीमतों में इस सापेक्ष कमी से बहुत लाभ हुआ। हरित क्रांति के कारण सरकारें पर्याप्त खाद्यान्न प्राप्त कर सुनिश्चित स्टॉक बना सकी, जिससे खाद्यान्नों की कमी के समय प्रयोग किया जा सकता था। और यद्यपि हरित क्रांति से देश को बहुत लाभान्वित हुआ, पर इस प्रौद्योगिकी का पूरी तरह निरापा नहीं है। एक जोखिम यह था कि इससे छोटे और बड़े किसानों के बीच असमानताएं बढ़ने की संभावना थी, क्योंकि केवल बड़े किसान अपेक्षित आगतों को खरीदने में सक्षम थे, जिससे उन्हें हरित क्रांति का अधिकांश लाभ प्राप्त हो जाता था। इसके अतिरिक्त इन फसलों में कीटनाशकों के आक्रमण की भी संभावनाएं अधिक होती थी। ऐसी दशा में इन प्रौद्योगिकी को अपनाने वाले छोटे किसानों की फसल का सब कुछ नष्ट हो जाता था। सौभाग्यवश सरकार द्वारा किए गए कुछ उपायों के कारण ये आशंकाएं सत्य साबित नहीं हुई। सरकार ने निम्न ब्याज दर पर छोटे किसानों को ऋण दिए और उर्वरकों पर आर्थिक सहायता दी, ताकि छोटे किसानों को ये आवश्यकताएं आगत उपलब्ध हो सके और छोटे किसानों को इन आगतों की प्राप्ति से छोटे खेतों की उपज और उत्पादकता भी समय के साथ में बड़े खेतों की पैदावार के बराबर हो गई। और इस प्रकार हरित क्रांति ने छोटे बड़े सभी किसानों को लाभ मिला। सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान संस्थानों की सेवाओं के कारण छोटे किसानों के जोखिम भी कम हो गए, जो कीटनाशकों के आक्रमण से उनकी फसलों की बर्बादी का कारण थे। यदि सरकार ने इस प्रौद्योगिकी का लाभ छोटे किसानों को उपलब्ध कराने के लिए व्यापक प्रयास नहीं किए होते तो इस क्रांति का लाभ केवल धनी किसानों को ही मिल पाता। फिर हम देखते हैं सहायिकी पर बहस। आजकल कृषि क्षेत्र को दी जा रही आर्थिक सहायिकी का आर्थिक सहायिकी का आर्थिक औचित्य एक गर्मा गर्म बहस का मुद्दा बना हुआ है। इस बात से तो सभी सहमत हैं कि किसानों द्वारा और सामान्यतः छोटे किसानों के द्वारा विशेष रूप से नई HYV प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु सहायिकी दी जानी आवश्यक थी, किंतु यहाँ पर हम देखें किसान प्राय किसी भी नई प्रौद्योगिकी को जोखिमपूर्ण समझते थे, अतः किसानों के द्वारा नई प्रौद्योगिकी की पराख लेने के लिए सहायिकी आवश्यक थी। कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि एक बार प्रौद्योगिकी का लाभ मिल जाने और उसके व्यापक प्रचलन के बाद सहायिकी धीरे धीरे समाप्त कर देनी चाहिए, क्योंकि उसका उद्देश्य पूरा हो गया है। यही नहीं, यद्यपि सहायिकी का ध्येय तो किसानों को लाभ पहुंचाना है, किंतु उर्वरक सहायिकी का लाभ बड़ी मात्रा में प्राय उर्वरक उद्योगों को या फिर अधिक समृद्ध क्षेत्र के किसानों को ही पहुंचता है। अतः यह तर्क दिया जाता है कि उर्वरकों पर सहायिकी जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है, इससे लक्षित समूह को लाभ नहीं होता है। सरकारी कोष पर अनावश्यक भारी बोझ पड़ता है। जैसे कि हम देखें यहाँ पर सरकार पर भारी बोझ पड़ता है और कीमत संकेतकों के रूप में देखें हम बाजार में कीमतों का निर्धारण किस प्रकार होता है ये हमने पढ़ा है, और यह समझना आवश्यक है कि कीमत वस्तुओं की उपलब्धता का संकेतक है। यदि कोई वस्तु दुर्लभ हो जाती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, और कीमतों के आधार पर उसके प्रयोग के संबंध में सही निर्णय लेने की उसके उपभोक्ता को प्रेरणा मिलती है। यदि निम्न पूर्ति के कारण
पानी की कीमत बढ़ जाती है तो लोग इसका उपयोग सावधानी पूर्वक करेंगे। उदाहरण के लिए पानी संरक्षण के लिए वे बगीचे में पानी देना बंद कर सकते हैं। जब भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो हम शिकायत करते हैं कि सरकार पर दोषारोपण करते हैं, परंतु पेट्रोल की कीमत में वृद्धि इसकी अधिक कमी को दर्शाती है और कीमत वृद्धि इस बात का संकेत है कि पेट्रोल कम मात्रा में उपलब्ध है और यह पेट्रोल का कम उपयोग करने और वैकल्पिक ईंधनों की तलाश की प्रेरणा देता है। कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि साये की कीमतों को वस्तु की पूर्ति का संकेत नहीं होने देती। जब बिजली और पानी की का साये की युक्त दरों पर निःशुल्क प्रदान किया जाए तो उनकी कमी का ध्यान रखे बिना उसका फिजूल उपयोग किया जाएगा। यदि पानी निःशुल्क प्रदान किया जाएगा तो किसान पानी प्रधान फसलें उगाएंगे भले ही उस क्षेत्र में जल संसाधन की कमी हो, तो इन फसलों का से दुर्लभ संसाधनों का भी कम हो जाएंगे। यदि पानी की कीमत दुर्लभता के अनुसार निर्धारित की जाए तो किसान क्षेत्र के अनुकूल उपयुक्त फसल उगाएंगे, उर्वरक कीटनाशकों पर साई की संसाधनों का प्रयोग बढ़ाएगी, उर्वरक कीटनाशकों पर साई की संसाधनों का प्रयोग बढ़ाएगी जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है। सहायक से फिजूल उपयोग को बढ़ावा मिलता है। प्रेरणा की दृष्टि से सहायक की पर विचार करें तो स्वयं से यह पूछे कि क्या किसानों को निःशुल्क बिजली प्रदान करना आर्थिक दृष्टि से उचित है? तो यहाँ पर हम देखें दूसरी और कुछ कुछ विशेषज्ञों का मत है कि सरकार की कृषि सहायता की जारी रखनी चाहिए, क्योंकि भारत में कृषि एक बहुत ही जोखिम भरा व्यवसाय है। अधिकांश किसान बहुत गरीब हैं। सहायता को समाप्त करने से वे अपेक्षित आगतों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। सहायता समाप्त करने से गरीब और अमीर किसानों के बीच असमानता और बढ़ेगी और समता के लक्ष्य का उल्लंघन होगा। इस इन विशेषज्ञों का तर्क है कि बड़े किसानों या उर्वरक उद्योगों का अधिक लाभ हो रहा है तो सही नीति साये की समाप्त करना नहीं बल्कि ऐसे कदम उठाना है कि जिनसे केवल निर्धन किसानों को ही इसका लाभ मिले। 1960 के दशक के अंत तक देश में कृषि उत्पादकता की वृद्धि से भारत खानदानों में आत्मनिर्भर हो गया और यह निश्चित ही गौरवपूर्ण उपलब्धि रही। इसके बावजूद नकारात्मक पहलू यह रहा कि 1990 तक भी देश की 65% जनसंख्या कृषि में लगी थी और अर्थशास्त्री ने इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं या पहुंचे हैं कि जैसे जैसे देश जैसे जैसे देश संपन्न होता है सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान में और उस पर निर्भर जनसंख्या में पर्याप्त कमी आती है। भारत में 1950 से 1990 की अवधि में यद्यपि जीडीपी में कृषि के अंशदान में तो भारी कमी आई पर कृषि पर निर्भर जनसंख्या के अनुपात में नहीं। 1950 में 67.40 50% जनसंख्या थी और 1990 तक यह घटकर 64.90% ही हो पाई। इस क्षेत्र में इतनी उत्पादकता उत्पादन वृद्धि तो न्यूनतम श्रम के प्रयोग द्वारा भी संभव थी। फिर इस क्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या में लोगों के लगे रहने की क्या आवश्यकता थी? इसका उत्तर यही है कि इसका उत्तर यही है कि उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को नहीं खपा पाए। अनेक अर्थशास्त्री इसे 1950 1990 के दौरान अपनाई गई नीतियों की विफलता मानते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं उद्योग और व्यापार। अर्थशास्त्रियों ने ऐसा पाया कि निर्धन राष्ट्र तभी प्रगति कर पाते हैं जब उसमें अच्छे प्रौद्योगिकी क्षेत्र होते हैं, उद्योग रोजगार उपलब्ध कराते हैं और
यह कृषि में रोजगार की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं। इससे आधुनिकीकरण और समग्र समृद्धि को बढ़ावा मिलता है। इन्हीं कारणों से हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास पर अत्यधिक बल दिया गया। और हमने पिछले पाठ में यहाँ पर पढ़ा है कि स्वतंत्रता के समय भारत में बहुत कम उद्योग थे। अधिकांश उद्योग सूती वस्त्र, पटसन आदि तक ही सीमित थे, जैसे कि जमशेदपुर और कोलकाता में लोहा व इस्पात उद्योग। बीस सुप्रबंधित फर्में थी। यदि अर्थव्यवस्था का विकास करना था तो हमें ऐसे औद्योगिक आधार का विस्तार करने की आवश्यकता थी जिसमें विविध प्रकार के उद्योग हो। भारतीय औद्योगिक विकास में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र, हमारे जो नीति निर्माताओं के समक्ष एक बहुत बड़ा प्रश्न यह था कि औद्योगिक विकास में सरकार और निजी क्षेत्र की क्या भूमिका होनी चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के उद्योगपतियों के पास हमारी अर्थव्यवस्था के विकास हेतु उद्योगों में निवेश करने के लिए अपेक्षित पूंजी नहीं थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भी इतना बड़ा बाजार भी नहीं था जिससे कि उद्योगपतियों का मुख्य परियोजना शुरू करने के लिए प्रोत्साहन मिलता। यद्यपि उसके पास ऐसा करने के लिए पूंजी भी थी, इन्हीं कारणों से राज्य को औद्योगिक क्षेत्र को प्रोत्साहन देने में व्यापक भूमिका निभानी पड़ी। इसके अतिरिक्त भारतीय अर्थव्यवस्था को समाजवाद के पथ पर अग्रसर करने के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह निर्णय लिया गया कि सरकार अर्थव्यवस्था में बड़े और भारी उद्योगों का नियंत्रण करेगी। इसका अर्थ यह था कि राज्य उन उद्योगों पर पूरा नियंत्रण रखेगा जो अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। निजी क्षेत्र की नीतियां सार्वजनिक क्षेत्र की नीतियों के अनुरूप पूरक होंगी। सार्वजनिक क्षेत्र अग्रणी भूमिका निभाएगा। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में आया था, यानी कि इंडस्ट्रियल एक्ट 1956। भारी उद्योगों पर नियंत्रण रखने के लिए राज्य के लक्ष्य के अनुसार औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 को अंगीकार किया गया। इस प्रस्ताव को द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया और द्वितीय योजना में ही समाजवादी स्वरूप का आधार तैयार करने का प्रयास किया गया। इस प्रस्ताव के अनुसार उद्योगों को तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया। प्रथम वर्ग में वे उद्योग शामिल होंगे जिन पर राज्य का अनन्य स्वामित्व था। दूसरे वर्ग में वे उद्योग शामिल होंगे जिनके लिए निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के साथ मिलकर प्रयास कर सकते हैं, परंतु जिनमें नई इकाइयों को शुरू करने की एकमात्र जिम्मेदारी राज्य की होती है। तीसरे वर्ग में वे उद्योग शामिल हैं जो निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यद्यपि निजी क्षेत्र में आने वाले उद्योगों में एक वर्ग था, लेकिन इस क्षेत्र को लाइसेंस पद्धति के माध्यम से राज्य के नियंत्रण में रखा गया। नए उद्योगों को तब तक अनुमति नहीं दी जा सकती जब तक कि सरकार से लाइसेंस नहीं प्राप्त कर लिया जाता। इस नीति का प्रयोग पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया। यदि उद्योग आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में लगाए गए तो लाइसेंस प्राप्त करना आसान था। इसके अतिरिक्त उन इकाइयों को कुछ रियायतें जैसे कि कर लाभ, कर प्रशुल्क पर बिजली दी गई। इस नीति का उद्देश्य क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देना था। वर्तमान उद्योग को भी उत्पादन बढ़ाने या फिर विविध प्रकार के उत्पादन वस्तुओं और सेवाओं की नई किस्मों का उत्पादन करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना होता है। इसका अर्थ यह सुनिश्चित करना था कि उत्पादित वस्तुओं की मात्रा अर्थव्यवस्था द्वारा अपेक्षित मात्रा से अधिक नहीं होगी। उत्पादित वस्तुओं की मात्रा अर्थव्यवस्था द्वारा अपेक्षित मात्रा से अधिक न हो। उत्पादन बढ़ाने का लाइसेंस केवल तभी दिया जाता था जब सरकार इस बात से आश्वस्त हो कि अर्थव्यवस्था में बड़ी मात्रा में वस्तुओं की आवश्यकता है। लघु उद्योग 1955 में ग्राम एवं लघु उद्योग समिति ग्राम एवं लघु उद्योग समिति जिसे करवे समिति भी कहा जाता था, इस बात की संभावना पर विचार किया कि ग्राम विकास को प्रोत्साहित करने के लिए लघु उद्योगों का प्रयोग किया जाए। लघु उद्योगों की परिभाषा किसी इकाई की परिसंपत्तियों के लिए
दिए जाने वाले अधिकतम निवेश के संदर्भ में दी जाती है। समय के साथ साथ निवेश की सीमा भी बदलती रही। 1950 में लघु उद्योग इकाइयां ऐसे कहा जाता था जो 5 लाख रुपए का अधिकतम निवेश करती थी, और इस समय 1 करोड़ रुपए का अधिकतम निवेश किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि लघु उद्योग अधिक श्रम प्रधान होते थे, अर्थात उनमें बड़े पैमाने के उद्योगों की अपेक्षा श्रम का प्रयोग अधिक किया जाता था, अतः वे अधिक रोजगारों का सृजन करते थे। लेकिन ये बड़ी औद्योगिक फर्मों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे। यह स्पष्ट है कि लघु उद्योग के विकास के लिए बड़ी फर्मों से उनकी रक्षा किए जाने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए अनेक उत्पादकों को लघु उद्योगों के लिए आरक्षित कर दिया गया। ऐसे आरक्षण की कसौटी यह थी कि ये इकाइयां उन वस्तुओं के विनिर्माण के योग्य हैं। रियायतें भी दी गई, जैसे कि कम उत्पादन शुल्क और कम ब्याज दरों पर बैंक ऋण। उसके बाद हम देखते हैं व्यापार नीति और आयात प्रतिस्थापन। व्यापार नीति और आयात प्रतिस्थापन में क्या होता है? हमारे यहाँ अपनाई गई औद्योगिक नीति व्यापार नीति से घनिष्ठ रूप से संबंध है। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में व्यापार की विशेषताएं अंतर्मुखी व्यापार नीति थी। तकनीकी रूप से इस नीति को आयात प्रतिस्थापन कहा जाता है। इस नीति का उद्देश्य आयात के बदलते घरेलू उत्पादन द्वारा पूर्ति करना है। उदाहरण के लिए, विदेश में निर्मित वाहनों को आयात करने के स्थान पर उन्हें भारत में निर्मित करने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाना। इस नीति के अनुसार सरकार ने विदेशी प्रतिस्पर्धा से घरेलू उद्योगों की रक्षा की, और आयात संरक्षण 2 प्रकार थे। पहला था प्रशुल्क और दूसरा था कोटा। प्रशुल्क आयातित वस्तुओं पर लगाया गया कर है, जो वस्तु आयात की जाती थी उन पर लगाया गया कर। प्रशुल्क लगाने पर आयातित वस्तुएं अधिक महंगी हो जाती थी और जो वस्तुओं के प्रयोग को हतोत्साहित करती थी। कोटे में वस्तुओं की मात्रा निर्दिष्ट की जाती की होती थी, उन्हें आयात किया जा सकता है। वस्तुओं की मात्रा निर्दिष्ट होती थी जिन्हें आयात किया जा सकता है। प्रशुल्क और कोटे का प्रभाव यह होता है कि उससे आयात प्रतिबंधित तो हो जाते हैं, और उससे विदेशी प्रतिस्पर्धा से देशी फर्मों की रक्षा होती है। संरक्षण की नीति इस धारणा पर आधारित है कि विकासशील देशों के उद्योग अधिक विकसित देशों द्वारा उत्पादित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में नहीं है। यह माना जाता है कि यदि घरेलू उद्योगों का संरक्षण किया जाता है तो समय के साथ साथ वे प्रतिस्पर्धा करना भी सीख लेंगे। हमारे योजनाकारों को भी यह आशंका थी। और कृषि उद्योग सेवाएं हम अलग अलग देख सकते हैं यहाँ पर। कृषि ये है, उद्योग ये है, और सेवाएं ये है, बैंकिंग सेवाएं। यदि आयातों पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो विलासिता की वस्तुओं के आयात पर विदेशी मुद्रा खर्च होने की संभावना बढ़ जाएगी। 1980 के दशक के मध्य तक निर्यात संवर्धन पर कोई गंभीर विचार नहीं किया गया था। औद्योगिक विकास पर नीतियों का प्रभाव। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान भारत के औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धियां वस्तुत उल्लेखनीय रही हैं। औद्योगिक क्षेत्र के द्वारा प्रदत्त जीडीपी का अनुमान 1950-51 में 11.8 था, जो बढ़कर के 1990-91 में कितना हो गया? 24.6% हो गया। जीडीपी से उद्योगों में हिस्सेदारी में बढ़ोतरी विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक है। इस अवधि के दौरान औद्योगिक क्षेत्र की 6% वार्षिक संवृद्धि दर प्रशंसनीय है। और भारतीय उद्योग सूती वस्त्र और पटसन तक की भी सीमित नहीं थे, बल्कि
वस्त्र तो औद्योगिक क्षेत्र प्राय सार्वजनिक क्षेत्र के कारण विविधतापूर्ण बन गया था। लघु उद्योगों के संवर्धन से उन लोगों को अवसर प्राप्त हुए जिनके पास व्यवसाय में प्रवेश करने की जिनके पास व्यवसाय में प्रवेश करने की लिए बड़े फर्मों को प्रारंभ करने के लिए पूंजी नहीं थी। विदेशी प्रतिस्पर्धा के प्रति संरक्षण से उन इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल क्षेत्र को में देशी उद्योगों का विकास हुआ जिनका विकास अन्यथा संभव नहीं था। भारतीय अर्थव्यवस्था की समृद्धि में सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा किए गए योगदान के बावजूद कुछ अर्थशास्त्रियों ने सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक उद्यमों के निष्पादन की कड़ी आलोचना की है। इस अध्याय के प्रारंभ में हम देखें कि यह प्रस्तावित किया गया था कि शुरू में सार्वजनिक क्षेत्र की आवश्यकता अधिक थी। अब यह व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है कि सरकारी उद्यमों से कुछ वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन प्राय उन पर एकाधिकार रखते हुए जारी रखा जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। दूरसंचार सेवा का प्रावधान किया जाना दूसरा उदाहरण है। इस उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र में आरक्षण प्रदान किया गया जबकि देखा गया कि निजी क्षेत्र के फर्म भी उपलब्ध करा सकते हैं। 1990 के दशक के अंत तक भी प्रतिस्पर्धा न होने के कारण व्यक्ति को टेलीफोन कनेक्शन लेने में लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। इसका दूसरा उदाहरण मॉडर्न ब्रांड की स्थापना है जो ब्रांड विनिर्माण करने वाली एक फर्म है। मॉडर्न ब्रांड हम लोग कह सकते हैं मॉडर्न ब्रांड है ये ब्रांड विनिर्माण करने वाली फर्म है। जैसे कि निजी क्षेत्र ब्रेड का निर्माण ही नहीं कर सकता। 2001 में यह फर्म निजी क्षेत्र को बेच दी गई और मुख्य बात यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को योजना विकसित करने के लिए 4 दशक बाद भी इन दोनों के बीच कोई अंतर नहीं किया गया। केवल सार्वजनिक क्षेत्र क्या कर सकता है और निजी क्षेत्र क्या क्या कर सकता है। उदाहरण के लिए आज भी केवल सार्वजनिक क्षेत्र ही राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान करता है। यद्यपि सार्वजनिक क्षेत्र होटलों को भी व्यवस्था कर सकता है तथापि सरकार होटल चलाती है। इस आधार पर कुछ विद्वानों ने यह तर्क दिया कि राज्य को उन क्षेत्रों से हट जाना चाहिए जिसमें निजी क्षेत्र कार्य कर सकते हैं। सरकार ऐसी महत्वपूर्ण सेवाओं पर संसाधनों का संकेंद्रीकरण कर सकती है जिन्हें निजी क्षेत्र उपलब्ध नहीं करा सकते। अनेक सार्वजनिक क्षेत्र की फर्मों ने भारी नुकसान उठाया था लेकिन उन्होंने काम जारी रखा क्योंकि किसी सरकारी उपक्रम का बंद किया जाना कठिन है भले ही इसके कारण राष्ट्र के सीमित संसाधनों का निकास होता रहे। इसका अर्थ यह नहीं कि निजी फर्मों को सदैव लाभ होता ही है। वास्तव में कुछ सार्वजनिक क्षेत्रों की फर्में मूलतः निजी फर्में थी जो हानि के कारण बंद होने को थी। उनके बाद में कामगारों की नौकरियों की संरक्षा के लिए उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और बहरहाल नुकसान उठाने वाली निजी फर्में अपने को बनाए रखने के लिए संसाधनों का अपव्यय नहीं होने देगी। किसी उद्योग को शुरू करने के लिए आवश्यक लाइसेंस का कुछ औद्योगिक घरानों द्वारा दुरुपयोग किया गया। बड़े उद्योगपतियां नई फर्म शुरू करने के लिए नहीं बल्कि नए प्रतिस्पर्धियों को रोकने के लिए लाइसेंस प्राप्त कर लेते थे। परमिट लाइसेंस राज के अत्यधिक नियमन के कारण कुछ फर्में कार्य कुशल नहीं कुछ फर्म कार्य कुशल नहीं उद्योगपतियां अपने उत्पादन के विषय में विचार करने की अपेक्षा लाइसेंस प्राप्त करने की कोशिश में थे। संबंधित मंत्रालयों में लॉबी बनाने की समय व्यतीत कर रहे थे। विदेशी प्रतिस्पर्धाओं में से संरक्षण की आलोचना इस आधार पर की जा रही है कि यह उस स्थिति के बाद भी जारी है जब यह सिद्ध हो चुका है कि इससे लाभ के स्थान पर नुकसान अधिक होगा। आयातों पर प्रतिबंध के कारण भारतीय उपभोक्ताओं को उन वस्तुओं को खरीदना पड़ता है जिनका उत्पादन भारतीय उत्पादक करते थे। उत्पादक इस बात से अवगत थे कि उसके पास एक आबाद बाजार है अतः उसे अपनी वस्तुओं की गुणवत्ता सुधारने हेतु कोई प्रेरणा नहीं थी। जब वे घटिया वस्तुओं की ऊंची कीमतों पर बेच सकते थे तब वे उनकी गुणवत्ता में सुधार करने की क्यों सोचते। आयातों की प्रतिस्पर्धा ने हमारे उत्पादकों को और अधिक दक्ष बनाने को बाध्य किया और कुछ अर्थशास्त्रियों का भी मत था
कि सार्वजनिक क्षेत्र का प्रयोजन लाभ कमाना नहीं बल्कि राष्ट्रीय कल्याण को बढ़ावा देना है। इस दृष्टि से सार्वजनिक क्षेत्र की फर्मों का मूल्यांकन जनता के कल्याण के आधार पर किया जाना चाहिए, उसका मूल्यांकन उसके द्वारा कमाई गई लाभ के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। संरक्षण के संबंध में विदेशी प्रतिस्पर्धा से उत्पादनों का संरक्षण तब तक करना चाहिए जब तक कि धनी राष्ट्र ऐसा करते रहे। इन सभी विरोधों के कारण अर्थशास्त्रियों ने हमारी नीति में परिवर्तन करने का आग्रह किया। अन्य समस्याओं सहित इस समस्या के कारण सरकार ने 1991 में नई आर्थिक नीति, यहाँ पर सरकार ने 1991 में प्रारंभ की। तो यहाँ पर हम देखें कि हरित क्रांति के बाद अब तुम्हारी पेशकश में कौन रुचि लेगा? इसमें हम देखते हैं एक चीज है जो है यहाँ पर महा लनोविस भारतीय योजनाओं का के निर्माता थे। हमारी पंचवर्षीय योजना के निर्माण में अनेक प्रसिद्ध विचारकों का योगदान रहा है। उनमें सांख्यिकविद प्रशांत चंद्र महानोबिस का नाम उल्लेखनीय है। सांख्यिकविद थे प्रशांत चंद्र महालनोबिस। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सामान्यतः विकासात्मक योजना में एक महत्वपूर्ण योगदान था। योजना का काम सही मायने में द्वितीय पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ हुआ। इसमें भारतीय योजना के लक्ष्यों से संबंधित आधारित विचार दिए गए। यह योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी। इस अर्थ में उसे भारतीय योजना का निर्माता भी माना जाता है। महानलोविस का जन्म 1983 में कलकत्ता में हुआ था। उसकी शिक्षा प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में हुई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में हुई। बाकी पढ़ाई सांख्यिकी विषय में उन्होंने योगदान के कारण उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली है। 1946 में उन्हें ब्रिटेन की सोसाइटी का फेलो बनाया गया, यानी सदस्य बनाया गया। और यह वैज्ञानिक का एक सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक प्रतिष्ठित संगठन है। इसका सदस्य केवल उत्कृष्ट वैज्ञानिक को ही बनाया जाता है। महालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI स्थापना की और सांख्य नामक एक जर्नल निकाला जो आज भी सांख्यिकविदों के लिए परस्पर विचार विमर्श के लिए प्रतिष्ठित मंच बना हुआ है। आज भी ISI और सांख्य दोनों को ही समस्त विश्व में सांख्यिक विदों और अर्थशास्त्रियों के द्वारा अधिक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान महालनोबिस ने भारत के आर्थिक विकास के लिए भारत और विदेशी से प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों को आमंत्रित किए जाने की सलाह दी। कालांतर में इसमें कुछ अर्थशास्त्रियों को नोबेल पुरस्कार मिला। यहाँ इस बात को दर्शाता है कि उन्हें प्रभावशाली व्यक्तियों की पहचान थी। महालनोबिस के द्वारा आमंत्रित किए गए अर्थशास्त्रियों में वे लोग भी थे जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समाजवादी सिद्धांतों के कट्टी आलोचक थे। दूसरे शब्दों में वह अपने आलोचकों को सुनने के इच्छुक थे और यह उनकी महान विद्वता का द्योतक है। आज अनेक अर्थशास्त्री महालनोबिस की योजना संबंधी दृष्टिकोण को अस्वीकार करते हैं, परंतु भारत को आर्थिक प्रगति के पथ पर अग्रसर करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उन्हें सदैव स्मरण किया जाएगा। सांख्यिकविद सांख्यिकी के सिद्धांतों में उनके योगदान से लाभ उठाते रहेंगे। यहाँ पर हम देखें प्रौद्योगिकी में आए परिवर्तनों पर चर्चा करते हैं, जैसे कि खाद्यान्न उत्पादन, उत्पादन की पैकेजिंग और जनसंचार। उन वस्तुओं को ज्ञात कीजिए और सूची बनाइए जो भारत में 1990 से 91 तथा 2013-14 के दौरान आयात और निर्यात करता है।
आयात निर्यात करता था भारत, उनका नाम बताना है और उनमें अंतर बताना है। क्या आपको आत्मनिर्भरता का प्रभाव दिखाई देता है, इसको हमें चर्चा करनी है। धन्यवाद। देखें जैसे कि विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय कोष, विश्व व्यापार संगठन, G7, G8, G10 देशों की बैठकों के बारे में समाचार पत्रों की कतरने एकत्र करें, कृषि सहायकी पर विकसित एवं विकासशील देशों का विचार है वो व्यक्त करें। जैसे कि यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था में सामाजिक ढांचे का एक चार्ट बनाया गया है। जैसे कृषि है 1950-51 में 70% थी, वो 90-51 में 66% हो गई। कृषि उद्योग है 10.7% थे और 91-92 में 90-91 में 12.7% हो गई। सेवाएं हैं 17.2% थी 50-51 में, 90-91 में 20.5% हो गई। कृषि की सहायकी के पक्ष विपक्ष में तर्कों का अध्ययन करें और इसका इस विषय में क्या मत है। कुछ अर्थशास्त्रियों का तर्क है कि अन्य देश विशेषकर विकसित देशों के किसानों को अधिक सहायता देकर अपना उत्पादन अन्य देशों के निर्यात करने को प्रोत्साहित किया जाता है। क्या आप ये समझते हैं कि हमारे किसान उन देशों के किसान से मुकाबला कर पाएंगे? नेशनल देखें खरल सकल घरेलू उत्पाद के क्षेत्रवार योगदान से संबंधित सारणी हम देखें। जैसे कि सकल घरेलू उत्पाद कृषि से 59.0 आ रहा था, 90-91 में 34.9%, यानी कृषि से कम हो गया। उद्योग से देखें हम 50-91 में 13% आ रहा था, जबकि 90-91 में 24%। सेवाओं में हम देखें 28% आ रहा था, जबकि 90-91 में 40.5% आ रहा था सेवाएं। नेक्स्ट देखते हैं निष्कर्ष यहाँ पर क्या निकलता है। प्रथम पांचवर्षीय योजनाओं के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति उल्लेखनीय रही है। हमारे जो उद्योग हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के समय की स्थिति की तुलना में विविधतापूर्ण हो गए हैं। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है। भूमि सुधारों का परिणाम यह हुआ कि गहरी जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हो गया, लेकिन अनेक अर्थशास्त्री सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निष्पादन से असंतुष्ट थे। अतिशय सहकारी नियमन के कारण उद्यम वृत्ति अवरुद्ध हो गई। आत्मनिर्भरता के नाम पर हमारे उत्पादकों का संरक्षण और विदेशी प्रतिस्पर्धा से किया गया और इससे उन्हें उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार करने की प्रेरणा नहीं मिली। हमारी नीतियां अंतर्मुखी थी, अतः हमें एक सशक्त निर्यात क्षेत्र विकसित करने में विफल रहे। बदलते हुए वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के प्रसंग में यह सर्वत्र महसूस किया जा रहा था कि आर्थिक नीति में सुधार करने की आवश्यकता है। हमारी अर्थव्यवस्था को और अधिक सफल बनाने के लिए 1991 में एक नई आर्थिक नीति शुरू की गई और इस विषय पर हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि प्रश्न आ जाते हैं अभ्यास प्रश्न, उससे पहले हम पुनरावलोकन देखते हैं। पुनरावलोकन से पहले भी हम यहाँ पर हम देखें यहाँ पर हम देखें पुनरावर्तन। पुनरावर्तन क्या होता है?
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने एक आर्थिक पद्धति की कल्पना की जिसमें समाजवाद और पूंजीवाद की विशेषताएं समृद्ध थी, जिसकी परिणति मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल के रूप में हुई। सभी आर्थिक योजनाएं पंचवर्षीय योजना के माध्यम से ही निर्मित हो गई थी। पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य हैं समृद्धि, आधुनिकरण, आत्मनिर्भरता और समानता। कृषक क्षेत्र में मुख्य नीतिगत पहल थे भूमि सुधार और हरित क्रांति। इन पहलों से भारत को खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में सहायता मिली। कृषि पर निर्भर रहने वाले लोगों का अनुपात कम नहीं हुआ जैसा कि आशा थी। औद्योगिक क्षेत्रों में नीतिगत पहलों से सकल घरेलू उत्पाद के लिए उनके योगदान में वृद्धि हुई। औद्योगिक क्षेत्र में बड़ी कमी यह थी कि सार्वजनिक क्षेत्र की कार्य प्रगति कुशल नहीं थी, क्योंकि यह घाटे की ओर उन्मुख थी, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्र की सीमित संसाधनों का बहिर्गमन और नुकसान हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे कि योजना का परिभाषा कीजिए, भारत ने योजना क्यों चुना, योजना के लक्ष्य क्या है, उच्च पैदावार किस्म एचआईवी बीज क्या है, विशेष अधिशेष क्या है, कृषि क्षेत्र में लागू होने वाले भूमि सुधार की आवश्यकता और उसके प्रयोग प्रकारों की व्याख्या कीजिए, हरित क्रांति क्या है, इसे अब लागू होने वाले से किसानों को कैसे पहुंचा लाभ पहुंचा हरित क्रांति से, संक्षेप में बताना है। योजना उद्देश्य के रूप में समानता के साथ समृद्धि की व्याख्या भी कीजिए। क्या रोजगार सृजन की दृष्टि से योजना उद्देश्य के रूप में आधुनिकरण विरोधाभास पैदा करता है, व्याख्या कीजिए। भारत जैसे विकासशील देश के रूप में आत्मनिर्भरता का पालन करना क्यों आवश्यक है। किसी अर्थव्यवस्था का देश क्षेत्र गठन क्या होता है, क्या यह आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था की जीडीपी में क्षेत्र सेवा क्षेत्र की सबसे अधिक योगदान करना चाहिए। योजना अवधि के दौरान औद्योगिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र को ही अग्रणी भूमिका क्यों सौंपी गई। हरित क्रांति ने सरकार को खाद्यान्न के प्रापण द्वारा विशाल सुरक्षित भंडार बनाने के योग्य बनाया ताकि वे कमी के समय इसका उपयोग कर सके। सहायक के किसानों को नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने को प्रोत्साहित तो करती है, पर इसका सहकारी वित्त पर भारी बोझ पड़ता है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर सहायक की उपयोगिता पर चर्चा कीजिए। हरित क्रांति के बाद 1990 तक हमारी 63% जनसंख्या कृषि क्षेत्र में ही क्यों लगी रही। यद्यपि उद्योग के लिए सार्वजनिक क्षेत्र बहुत आवश्यक रहा है, पर सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक उपक्रम ऐसे हैं जो भारी हानि उठा रहे हैं। इन क्षेत्रों को अर्थव्यवस्था के संसाधनों की बर्बादी के साधन बने हुए हैं। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को पर उपयोगिता पर चर्चा करते हैं। आयात प्रतिस्थापन किस प्रकार औद्योगिक घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करता है। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में निजी क्षेत्र का नियमन क्यों और कैसे किया गया, उसके बारे में बताया गया है। जैसे हम देखें यहाँ पर प्रधानमंत्री है, सकल घरेलू उत्पाद कोटा, भूमि सुधार, उच्च उत्पादकता वाले बीज हैं, व्यवसाय के हैं। सहायकी क्या होती है, उत्पादक उत्पादक कार्यों के लिए सरकार द्वारा दी गई मौद्रिक सहायता वो होती है सहायकी। उच्च उत्पादकता वाले बीज क्या होते हैं, कृषि क्षेत्र की उत्पादक वृद्धि करने के लिए किए गए सुधार हैं, उच्च उत्पादकता वाले बीज होते हैं भूमि सुधार है। किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित की गई सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन है वो होता है जीडीपी होता है सकल घरेलू उत्पाद। और योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। आयात की जाने वाली मात्रा अधिक अनुपात पर उत्पादन देने वाले बीज, अधिक अनुपात में उत्पादन देने वाले बीज कौन से हैं, नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर ये रेफरेंस है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी चीजें देखेंगे, यानी दूसरा चैप्टर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।